अपराधी है और ये जो बेल पर हाईकोर्ट से इसका बेल रिजेक्ट किया जाए, इसका जगह जेल में है। निकालो, मार देंगे, काट देंगे, उसको गाली दिया, हमको गाली दिया, थ्रेटनिंग दिया, कार्रवाई हुई है, हाईकोर्ट से बेल पर है, वो आदमी आकर यहाँ ये करता है। ललन पासवान बर्दाश्त नहीं करेगा, हम उनके जनता के सेवक हैं। इसी के तहत पुलिस कार्रवाई की है, संज्ञान ली है और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इसीपुर थाना में एक FIR दर्ज हुआ है और हमारे भाई के द्वारा झारखंड के मेहरमा थाना में FIR दर्ज कराया गया। और जो इस सबको ले आया, बहका के फुसला के, वो सबसे बड़ा ये चिप्स का अवैध कारोबारी है, चुन्नू सिंह, वो देवेंद्र सिंह उर्फ चुन्नू सिंह, पिता सुरेंद्र सिंह, ग्राम अम्मा पाली, थाना पीरपैती, जिला भागलपुर, बिहार। आप उनके पिछले साल रोड पर दिन दहाड़े उसने वो ट्रक को रोक करके रंगदारी लिया है, वो सारा वीडियो है। पीरपैती थाना ने FIR किया, वहाँ के सरपंच ने इन्फॉर्मेशन दिया, पूरी वीडियो मीडिया सोशल मीडिया में वायरल हुई। और इतना संगीन अपराध था उससे, मैंने अवैध वसूली का, गुंडागर्दी का, उसको मैंने यहाँ से बेल भी नहीं मिली डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से, और उसको पटना हाईकोर्ट से बेल मिला हुआ है। और बेल जो मिला 12-5 में स्पष्ट लिखा गया है कि वो जो है ये चुन्नू सिंह अपने जिला को छोड़कर नहीं जा सकता, वो जो केस के ट्रायल में सहयोग करेगा, जिला से बाहर जाने के लिए न्यायालय से, पुलिस प्रशासन से परमिशन लेकर ही जिला से बाहर जाएगा। लेकिन इस आदमी को जो गैर कानूनी धमधाम पूरी तरह से लिफ्ट है, सारा वीडियो में वीडियो फिर रिलीज आज करने वाला हूँ, पुराना वीडियो, कि सारे अवैध धंधे में लिफ्ट है वो आदमी, आज झारखंड में आकर के छद्म पत्रकारिता के नाम पर वो ब्लैकमेलिंग करता है, वो बंगाल जाता है, वो तारापीठ जाता है, रजरप्पा जाता है, और माननीय उच्च न्यायालय पटना का जो आदेश है उसका सरासर उल्लंघन करता है। मैं इसके खिलाफ मैं लिखूंगा उच्च न्यायालय को भी, और मैं भागलपुर श्रीमान SSP महोदय को भी लिखूंगा, ये अपराधी है और ये जो बेल पर हाईकोर्ट से, इसका बेल रिजेक्ट किया जाए, इसका जगह जेल में है, इसका जेल में है। और सरकार से कठोर कानून कार्रवाई चुन्नू सिंह पर मैं करने के लिए कहता हूँ। ये सारे चीज़ का सूत्रधार चुन्नू सिंह है और उनके जो अब साथ जो लगभग 20-25 लोग, जो उनके जो अज्ञात लोग हैं, जिसको हमारे लोग पहचान नहीं पाए, वीडियो से पहचान लेंगे, हम तो सबको पहचान, हमको सब पहचान लेते, हम सबको बाय नेम नहीं पहचान पाते हैं। बाकी पुलिस का काम अनुसंधान कर रही है। हम सबसे इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर कर्तव्य मैंने एकदम अपने से हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। हमारा सपना भी रहा है कि आत्मनिर्भर बनाने का, पीरपैती को, भागलपुर को आत्मनिर्भर बनाने का मतलब ये नहीं है कि आम जनजीवन का जीवन अस्त व्यस्त कर दिए। लाखों लोग पलायन करने के लिए विवश हैं, लाखों लोग पलायन को मजबूर हैं। आज कोई बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाता, स्कूल नहीं पहुँचाता है। राकेश सिंह राठौर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा संयोजक हैं, हमारे छोटे भाई के तरह हैं, उनके घर पर ये लोग पहले गए, वहाँ नहीं मिले, हमारे आवास पर यहाँ आए, यहाँ हमारे केयर टेकर ने बताया, यहाँ कोई नहीं, तब हमारे भाई के आवास आलोक मैंने वहाँ झारखंड गए, और वहाँ जाकर के ये लोग सीधा घर में घुस गए और निकालो, मार देंगे, काट देंगे, उसको गाली दिया, हमको गाली दिया, थ्रेटनिंग दिया। चुन्नू सिंह मैंने उसकी लाइव करता रहा, फिर वो दुकान में जाके मीटिंग किया, सारा वीडियो फुटेज है, सब पुलिस को उपलब्ध करा दिया गया है, और वो वहीं से रास्ते से ही प्लानिंग करते हैं। आप तो अभी मेरे पास आए हैं इंटरव्यू करने के लिए, वो रास्ते से लाइव करते हुए आए क्या? नहीं करते हैं, नहीं, लाइव करके लो, एक एक लोग जुटिए जुटिए जुटिए, एक एक लोगों को जुटाया उसने, एंटी सोशल, लाइव प्रूफ है पुलिस के पास, उसने मैंने फेसबुक लाइव करके एक एक आदमी को जुटाया, और उसकी ये दुस्साहस है। और खुद आपने वीडियो देखा है चुन्नू सिंह का, मैं दिखा, मैंने आप कहे तो मैं दिखा दूँ किस तरह से वो वसूली करते थे। आप लोग शायद देखे हैं कि नहीं देखे, गचिए देखे हैं ना, आप लोग देखे हैं ना जी सर, वसूलू करते हुए किस तरह से उसका वीडियो वायरल हुआ, कार्रवाई हुई है, हाईकोर्ट से बेल पर है, वो आदमी आकर यहाँ ये करता है छत पर। आप लोगों को वैसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए, आप लोगों का भी नाम वो खराब कर रहा है, वो पत्रकार है ही नहीं, अब पत्रकार का कोई भी रहे, मैंने जजे रहेगा, मुख्यमंत्री भी इस देश में गलत करते वो भी जेल जाते हैं, ये कोई भी करेगा, किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। क्या यह आप यह आश्वस्त करते हैं कि जो लोग अंडरलोड चल रहे हैं उनके साथ पुलिस प्रशासन कभी अन्याय नहीं? 24 घंटे उनके साथ खड़ा हूँ, मेरा नंबर नोट करिए 9771710340, मेरा मोबाइल नंबर नोट करिए 9430243796, आप व्हाट्सएप करिए, वीडियो 12 बजे रात में उनके साथ खड़ा हूँ, मैं अपने क्षेत्रवासी के साथ
चाहे वो ट्रक ऑनर हो, ट्रैक्टर ऑनर हो, चाहे वो डिपो मालिक हो, अगर वो उचित पर वाजिब पर है, उनके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, ललन पासवान बर्दाश्त नहीं करेगा। हम उनके जनता के सेवक हैं और तथस्थ सेवा के लिए हम 2025 तक यहाँ पर बैठे हुए। हमने डिक्लेयर कर दिया, हमने बताई कि ये हमारे साथ प्रॉब्लम है। आप भी बताइए, मेडिकल इमरजेंसी होती है, 2 बजे रात को फोन उठता आता है, हम उठाते कि नहीं फोन उठाते? कोरोना का पीरियड था, करते कि नहीं करते थे? सेकेंड फेज मर रहा था आदमी, वैसे पीरियड हमको 12:15 रात में फोन आया, हम गए कि नहीं गए अस्पताल में? डॉक्टर ने नेग्लिजेंसी दी, उसको ये ऑक्सीजन नहीं लगाया, वो कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? आज नौकरी छोड़ के जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? आप देखिए हमारा काम, देखिए ना हमारा काम, देखिए जनता ने हमको मौका दिया है। हम सभी ट्रक ऑनर ट्रैक्टर ऑनर से करना चाहते हैं कि आप अच्छा काम करिए और कानूनी तरीके से काम करिए, और कोई गैर कानूनी करके रहेगा तो आपका रेट बिगाड़ देगा और आपका धंधा में नुकसान होगा ना, गैर कानूनी करिए।